हाय, आज हम पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी सेमेस्टर 2 एमजेपी आरयू में यूनिट नंबर 8 पेरिनोलॉजी। पेरिनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। पॉलन ग्रेन मींस माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पॉलन ग्रेन का, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इस साइड में देखिए, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, पोलन ग्रेन का। ये पोलन ग्रेन का आपका स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आप ये देखिए, सबसे ये आउटर मोस्ट लेयर, कौन सी, आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्साइन। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन मिलकर स्पोरोडर्म बनता है। स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म में दो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन, इनर मोस्ट लेयर इंटाइन। बीच में ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और इनके बीच में ये जर्म पोर प्रेजेंट होती है। इसमें कितनी जर्म पोर दिख रही हैं आपको, वन जर्म पोर, टू और थ्री। अब वन जर्म पोर और थ्री जर्म पोर को क्या कहते हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। इसमें कितनी ओपनिंग है, थ्री ओपनिंग, थ्री जर्म पोर प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको डिटेल से समझाते हैं, इसको आप सुनिएगा ध्यान से। ये हमारा पोलन ग्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपकी एक्साइन लेयर है, जिसको हमने आउटर मोस्ट लेयर बोला था, एक्साइन, एक्साइन में दो पार्ट्स होते हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है, एक्सटेक्साइन या एक्टेक्साइन या सेक्साइन या सेक्सिन, जो आपको सुटेबल नाम लगे आप बोल सकते हैं। वैसे तो इसको एक्टेक्सिन और सेक्सिन नाम दिया जाता है। और इसके अंदर वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये एंडेक्सिन कहलाती है, और एंडेक्सिन को नेक्सिन भी कहते हैं। सो नेक्सिन और सेक्सिन मिलकर एक्सिन बनता है, या कहें एक्टेक्सिन और एंडेक्सिन मिलकर एक्सिन बनता है या एक्साइन बनता है। फिर इसके इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारी इंटाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटाइन। ये एक्साइन और ये इंटाइन दोनों मिलकर हमारा स्पोरोडर्म बनाते हैं, जैसा अभी हमने आपको स्ट्रक्चर में भी समझाया था, वैसे ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इसकी और स्टडी हमने करी। इन लेयर को क्या कहा हमने, सेक्सिन और नेक्सिन, यानी कि सेक्सिन और नेक्सिन क्या है, एक्सिन के पार्ट है। यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एक्सिन इज सेक्सिन या एक्टेक्सिन, या इनर लेयर और एक्सिन, एंड एक्सिन और नेक्सिन, एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पोरोडर्म या पोलन ग्रेन कहें तो इंटाइन, आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोडर्म की। एक्साइन हमारी किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोरोलिन से मिलकर बनी होती है। एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोरोलिन, और इंटाइन हमारी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसके सेंटर में ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो हमारा बड़ा न्यूक्लियस होता है, जिसको हम लार्जर न्यूक्लियस कहते हैं, और एक होता है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस, जो हमारा स्मॉलर होता है। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लार्जर न्यूक्लियस कौन सा होता है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस कौन सा होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और सेक्सिन और नेक्सिन को क्या कहते हैं, एक्सिन कहते हैं। इंटाइन और एक्साइन मिलके क्या बनता है, स्पोरोडर्म क्या होता है, ये सारे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हैं, जो आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब इनके बारे में और डिटेल से हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। ये देखिए आप इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ये आपका रहा स्ट्रक्चर जो अभी हमने आपको समझाया था, एक्सिन और नेक्सिन, स्पोरोडर्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद आपका होगा ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर का फिगर है डिटेल से, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बता दिया इससे पहले। अब इसके आगे देखिए आप थोड़ा, वो डायग्रामेटिक तरीके से हमने आपको समझाया था, ये आपका थ्योरी टाइप है। अगर आपको इस फिगर के थ्रू अगर समझना है तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एग्जाम में आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो वो फिगर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, तो भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको वो इजी मेथड लग रहा है तो आप वैसे कर लीजिए, अगर आपको ये इजी मेथड लग रहा है तो ऐसे कर लीजिए। देखिए स्पोरोडर्म लेयर
सबसे पहले पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में स्पोरोडर्म टू टाइप्स, एक्जाइन और इंटाइन। फिर एक्जाइन को हमने टू टाइप में करा, एक्टेक्सिन और एंडेक्सिन, या एक्टेक्साइन या एंडेक्साइन कह दें, आपको जो दिल करे जैसे सुइटेबल हो आप बोल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा एक्टेक्सिन को सेक्सिन कहते हैं और एंडेक्सिन को नेक्सिन कहते हैं। देखिए याद करने का तरीका है, यहाँ पे ये एन दिख रहा है और यहाँ पे भी एन दिख रहा है, तो एन एन फॉर एन यानी कि एन यानी कि एंडेक्सिन मीन्स नेक्सिन। जब एंडेक्सिन को नेक्सिन आप याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक्टेक्सिन को सेक्सिन आपको ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। बस एन एन याद रखिएगा, एंडेक्सिन और नेक्सिन। फिर आगे आप और देखिए, जैसे ये लिखा है एक्सिन, एक्सिन क्या है, हमारी आउटर लेयर है, ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। और इंटाइन हमारी किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। ये कैसी लेयर है, हमारी इनर है और थिन है, सॉफ्ट है, क्लियर। अब जर्म पोर के बारे में देख ली, थोड़ा सा जर्म पोर के बारे में आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था इसमें थ्री जर्म पोर प्रेजेंट है, तो थ्री जर्म पोर और वन जर्म पोर को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। जर्म पोर के बारे में देखिए, एक्जाइन एक या ज्यादा प्लेजेस की को इंटरप्टेड होती है, एक या ज्यादा प्लेजेस से क्या होती है, इंटरप्टेड होती है, जो स्मॉल पोर्स की तरह दिखती है, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जर्म पोर किसे कहते हैं, एक्जाइन एक या ज्यादा प्लेजेस से इंटरप्टेड होती है जो स्मॉल पोर्स की तरह दिखती है, जिसे जर्म पोर कहते हैं। इन मोनोकोटिलेडॉन्स पोलन ग्रेन में सिंगल जर्म पोर प्रेजेंट होती है, कैसी, अगर एक जर्म पोर प्रेजेंट है मोनोकोटिलेडॉन्स में तो उसे हम कहेंगे यूनिपोरेट, क्या कहेंगे, यूनिपोरेट। और यदि डाइकोटिलेडॉन्स में थ्री जर्म पोर प्रेजेंट, कितनी किसमें, डाइकोटिलेडॉन्स में थ्री जर्म पोर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपोरेट। अगर आपसे पूछा जाए ट्राइपोरेट किसे कहते हैं, या थ्री जर्म पोर प्रेजेंट अगर डाइकोटिलेडॉन्स में तो उन्हें क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ट्राइपोरेट। अगर पूछा जाए यूनिपोरेट क्या है, तो आप कह देंगे मोनोकोटिलेडॉन्स के पोलन ग्रेन में सिंगल पोर प्रेजेंट होती है, जिसको हम यूनिपोरेट कहते हैं। डाइकोटिलेडॉन्स में के जर्म पोर में थ्री जर्म पोर प्रेजेंट, पोलन ग्रेन में थ्री जर्म पोर प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम ट्राइपोरेट कहते हैं, क्लियर। अगर आपको ये और अच्छे से समझना हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ भी आपको जर्म पोर के बारे में लिखा हुआ है, जैसे जर्म पोर टू टाइप ये लिखा हुआ है, यूनिपोरेट और ट्राइपोरेट। यूनिपोरेट के बारे में हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, और ट्राइपोरेट के बारे में भी आपको हमने बता दिया, समझ लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे आप, वो आपका स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का, मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या होता है। मॉर्फोलॉजी में आप पोलन ग्रेन का शेप, साइज, कलर और उसकी पोलन वॉल कैसी होती है उसके बारे में आप समझेंगे। सबसे पहले आप इसके शेप पे आ जाइए, हमने स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज नहीं हाईलाइट की थी कि इसका शेप वगैरह क्या होता है, क्योंकि हमें मॉर्फोलॉजी में बताना था। जनरली पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कैसे होते हैं, स्फेरिकल और ओवल इन शेप, बट मे बी किडनी शेप हो सकते हैं। और कलर इनका कैसा होता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है और ब्लू, येलो ऑरेंज और ब्लू। अब ये पोलन वॉल, पोलन वॉल हमने आपको समझाई थी, आउटर लेयर एक्जीन, इनर लेयर इंटीन या एक्जाइन और इंटाइन कह दें, एक्टेक्सिन और एंडेक्सिन। एक्सिन किसने टू टाइप की, एक्टेक्सिन और एंडेक्सिन। देखिए हमने यहाँ पे पोलन वॉल का ही पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इससे आप देखिए समझ लीजिएगा। और पोलन वॉल में ये देखिए पोलन किट भी प्रेजेंट है, पोलन कोट, सॉरी पोलन किट भी कहेंगे, पोलन कोट भी कहेंगे। देखिए ये पोलन वॉल का स्ट्रक्चर है, पोलन वॉल के स्ट्रक्चर में देखिए ये वाली लेयर देखिए आपकी क्या है, सेक्सिन है, यानी कि सेक्सिन यानी कि एक्टेक्सिन। और ये वाली जो लेयर है ये देखिए, ये नेक्सिन वन, ये नेक्सिन टू, यानी कि एंडेक्सिन और नेक्सिन, ये रही एंडेक्सिन और नेक्सिन। अब जैसे ये एक्टेक्सिन और ये नेक्सिन ये मिलकर क्या बन रहा है हमारा, एक्सिन, एक्सिन यानी कि एक्साइन, और यानी कि आप कर पूछा जाए एक्साइन मिलकर क्या बनता है, सेक्सिन और नेक्सिन, या सेक्सिन प्लस नेक्सिन यानी कि एक्सिन या एक्साइन, सेक्साइन प्लस नेक्साइन एक्साइन, एज यू विश एज यू कॉल्ड। और एक्सिन के नीचे हमारी क्या है, इंटाइन, एक्साइन के नीचे हमारी क्या है, इंटाइन। कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए हमारा थैंक यू। आपको अगर किसी और टॉपिक की नीड हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको समझा देंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके MJPRU के एग्ज़ाम्स BSc सेमेस्टर 2 के स्टार्ट होने वाले हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का। तो बॉटनी का एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, और अगर जूलॉजी के किसी टॉपिक की नीड हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।
सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।